हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजेश, आप देख रहे चैनल राजस्थान फिटनेस। फ्रेंड्स, जब मैं क्लास 12th में था, मेरा हाइट था 5'1". आप सोच सकते कितना कम था। एंड अभी मेरा हाइट है 5'11". क्लास 12th, जब बंदे लोग क्लास 9-10 में जाते हैं उनका हाइट अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन जब मैं क्लास 12th में था मेरा 5'1". मैंने लगभग 8-9 inches मैंने गेन किया है। कैसे कैसे, वो टिप्स मैं आपको बोलने वाला हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जो मैं टिप्स बताऊंगा उसको आपको पूरा सुनना पड़ेगा। आप यदि नहीं सुनते हो तो आप कैसे करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस है, मैंने एक साल में इतना गेन किया है। हाइट गेन करना थोड़ा टफ है बिकॉज जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन आप जेनेटिक्स को तोड़ सकते हैं। किससे तोड़ सकते हैं? हार्डवर्क। हार्डवर्क हमारे मुट्ठी में है, आपके जो अंदर जो हार्डवर्क है ना आपके मुट्ठी में है, आप हार्डवर्क करके कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़, मैं चलो सब्सक्राइब करता हूँ, आप सब्सक्राइब करते मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर हाइट बढ़ाने के सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया वो कि मैंने अपने डेली लाइफस्टाइल को चेंज किया। पहले मेरा डेली स्टेप बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। रात 2-3 बजे मैं अपने लैप ही लेके बैठा रहता था, मूवीज़ देखता था, सुबह 10-11 बजे उठता था। सो इससे क्या होता, मेरा बॉडी में हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा। सो मैंने अब पूरा अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। सो हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करता, सुबह 4 बजे उठ जाता था। मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि तुम एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करो, उतना लेट तक मत सो। उतना लेट में सोने से क्या होगा, तुम्हारा बॉडी में क्या होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज करेगा, जिससे कि तुम्हारा हाइट बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो मैंने उनका बात सुना और उनका बात सही हो गया। फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे उठा और डेली एक्सरसाइज करने जाता था। डेली एक्सरसाइज 5 किलोमीटर रनिंग्स, उसके बाद मैं हैंगिंग एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था। हैंगिंग एक्सरसाइज जो ऐसा है कि वो क्या अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, जो आपको हाइट बढ़ाने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हैंगिंग एक्सरसाइज के साथ साथ मैं स्क्वाट्स लगाता। स्क्वाट्स लगाने से फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पता है, बॉडी वेट स्क्वाट्स। मैंने कुछ वेट नहीं लिया हुआ था, बस बॉडी स्क्वाट्स में स्क्वाट्स लगाता था। उससे क्या होता है, स्क्वाट्स लगाने से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होता है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, आपके बॉडी के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, जिससे कि आपका हाइट ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ मैंने अपना डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। डाइट में मैंने प्रोटीन को बहुत ज़्यादा हाई रखा। प्रोटीन हाई रखा मतलब डेली 4-6 eggs था, दाल, चिकन, फिश जो घर में बनता था, साथ में चना, बादाम, इस पर फोकस करता था। स्प्राउट्स जिसे हम कहते हैं, सो स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उससे क्या होता है, आपके बॉडी का पूरा सिस्टम पूरा प्रॉपर रहता है, हार्मोन इम्बेलेंस नहीं होता है। हाइट बढ़ाने के लिए मैंने एक सप्लीमेंट का यूज किया है, जो आप भी कर सकते, नेचुरल है वो, क्या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, वो है शिलाजीत। शिलाजीत में आपको बॉडी के लिए एसेंशियल विटामिन से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ शिलाजीत यूज करने से आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। एंड हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो आपको ग्रोथ हार्मोन। आपके बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता, देन आप कैसे आपका हाइट ग्रोथ होगा। जिसका हाइट ग्रोथ नहीं होता फ्रेंड्स, पहला तो है जेनेटिक्स और दूसरा उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है। यदि आपका बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है, देन आपका हाइट ग्रोथ रुक सकता है। इसके साथ साथ मैंने अपना डेली जो स्लीपिंग रूटीन उसको चेंज किया है। एंड आपको भी चेंज करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना जो मैंने पॉइंट्स बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपना स्लीपिंग रूटीन को चेंज करना होगा। आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा, आपको 8 hours प्रॉपर स्लीप लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब आप सोते हो उस टाइम आपका बॉडी रिकवर करता है। आपका हाइट जब आप सोते हो उस टाइम बढ़ता है, जब आप जगह रहते हो उस टाइम नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब आप सोते हो ना, जब आप गहरा नींद में रहते हो, उस टाइम का बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। जगह जब रहते हो उस टाइम नहीं रिलीज करता है। सो आपको यदि सोते नहीं है तो कहाँ से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो सोने पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि सोने के टाइम में आपका बॉडी रिकवर होता है, उसमें आपका हाइट बढ़ता है, जगने के टाइम पर नहीं होता है। तो सोने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, एटलीस्ट 8 hours प्रॉपर स्लीप, 8 hours आपको नाप के 8 hours सोना है, तब जाकर आपका हाइट बढ़ेगा। अरे जेनेटिक्स वेंटिक्स मत सुनिए यार, लड़ाई कीजिए, लाइफ पूरा स्ट्रगल की चीज़ है। लड़ी तो फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा तो देखा जाएगा। आप तो पहले लड़िए ना भाई, लड़ना जरूरी है। एक्सरसाइज करिए, डाइट पर फोकस कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, देखिए कैसे आपका हाइट नहीं बढ़ता है, हाइट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कम से कम तो 5-6 inches तो आपको जरूर बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लगा होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप सब्सक्राइब करते मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जैसे मैंने आपको मोटिवेशन दिया, आपके द्वारा मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। चलिए, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अंटिल, प्लीज़ बाय, टेक केयर।